हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू प्रथम मॉड्यूलर किचन। हम आपको जो वीडियो दिखाएंगे, वीडियो मुंबई में अंधेरी ईस्ट में ये प्रॉक्सिमा टावर में लोकेटेड है। इसमें आप देखोगे तो हमने यहाँ पे 3 BHK का पूरा इंटीरियर का काम किया हुआ है। 3 BHK का जो टोटल पूरा कारपेट एरिया है वो 1185 ये कारपेट एरिया है। इसमें अगर आप देखोगे तो हमने 3 BHK में से जो एक बेडरूम में क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स नहीं थी, इसलिए हमने उसमें कुछ भी नहीं किया है। लेकिन बाकी जो 2 बेडरूम्स है, लिविंग रूम्स है, उसमें हमने जो काम किया हुआ है हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ पे सेफ्टी डोर की उनकी रिक्वायरमेंट्स नहीं थी क्लाइंट की। तो जो मेन डोर है, तो मेन डोर में अगर आप देखोगे तो एग्जिस्टिंग जो बिल्डर ने जो डोर दिया है वो डोर का हमने लैमिनेट चेंज कर दिया है। और आप देखोगे तो यहाँ पे हमने वुडन फिनिश में हमने यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है। उसी के साथ आप देखते हो तो यहाँ पे हमने गोल्डन कलर में यहाँ पे लैमिनेट के साथ में यहाँ पे हमने स्ट्रिप्स दी हुई है, और जो ग्रिल है वो ग्रिल भी हमने यहाँ पे गोल्डन कलर में दी हुई है। उसी के साथ अगर आप देखते हो तो यहाँ पे जो मेन डोर है, तो मेन डोर में ही हमने एक विंडो का हमने ऑप्शन दिया हुआ है। वो विंडो का ऑप्शन इस तरीके से है, जैसे कि आप देखते हो अगर बाहर से कोई भी आता है तो अगर आपको देखना है तो यहाँ पे हमने इस तरह से मेन डोर में हमने यहाँ पे विंडो का प्रोविजन किया हुआ है। और उसी के साथ में जैसे कि आप देखती हो तो लिविंग रूम में अगर आप एंटर करते हो तो राइट साइड में हमने यहाँ पे सूस कैबिनेट का हमने यहाँ पे प्रोविजन किया हुआ है। इसमें हमने हैंडल्स नहीं दिए है, तो आप यहाँ पे पुश टू ओपन हमने यहाँ पे डोर्स दिए थे, उससे आप ओपन कर सकते हो। उसी तरीके से आप देखोगे तो ये जो वॉल है, ये वॉल को भी हमें डिफरेंट तरीके से हाईलाइट करनी थी। तो वो हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ पे हमने कुछ नीस एरिया हमने यहाँ पे क्रिएट किए हुए है, उसी में हमने यहाँ पे प्रोफाइल लाइट्स हमने यहाँ पे दिए हुए, और ये जो सेक्शंस हमने यहाँ पे टोटल पूरा यहाँ पे ओपन छोड़ा है हमने। उसी के साथ में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने जो स्पेस जो थी, तो ये स्पेस हमने यहाँ पे स्टोरेज में हमने उनको यहाँ पे यूटिलाइज की हुई है। लिविंग रूम में जैसे आप देखते हो तो लिविंग रूम में जैसे आप एंटर करोगे तो यहाँ पे हमने जो फ्लोरिंग का जो काम हुए वो टोटल हमने जो बिल्डर ने जो यहाँ पे जो फ्लोरिंग की थी वो फ्लोरिंग हमने टोटल लिविंग रूम की और सारे बेडरूम की हमने यहाँ पे चेंज की हुई है। उसी के साथ में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे हमने जो टीवी यूनिट का जो काम किया हुआ है, वो टीवी यूनिट में सबसे पहले अगर आप देखते हो तो यहाँ पे हमने जो कलर सिलेक्शन हमने यहाँ पे लिए वो मैट फिनिश हमने इसमें यूज़ किया हुआ है। ऊपर में अगर आप टॉप में देखते हो तो यहाँ पे हमने वुडन फिनिश हमने यहाँ पे ली हुई है, और नीचे में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे हमने लाइट हमने आइवरी कलर हमने इसमें यूज़ किया हुआ है। उसी के साथ में आप देखोगे तो यहाँ पे सेंटर में आप देखोगे तो हमने यहाँ पे सेट ऑफ बॉक्स रखने के लिए यहाँ पे प्रोफाइल में हमने ग्लास का शटर्स हमने यहाँ पे दिया हुआ है। उसी के साथ में नीचे में हमने यहाँ पे ओपनेबल डोर्स हमने यहाँ पे दिए हुए। बैक साइड में अगर आप देखते हो तो बैक साइड में आप हमने यहाँ पे जो लैमिनेट जो हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है, लेमिनेट के आगे हमने यहाँ पे मार्बल फिनिश में हमने यहाँ पे पैनल हम इसमें यूज़ किया हुआ है, और उसी के बैक साइड में हमने यहाँ पे एलईडी स्ट्रिप्स भी हमने यहाँ पे दी हुई है। एग्जैक्टली उसके ऊपर में आप देखते हो यहाँ पे हमने एक लाइट कलर का स्टोन इफेक्ट में भी हमने यहाँ पे लेमिनेट में हमने अपना बैक पैनल इसमें यूज़ किया है। अगर आप आगे देखते हैं तो यहाँ पे जो ओपन यूनिट कॉन्सेप्ट कहते हैं, जो वो ओपन यूनिट कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें अंदर इंटरनल हमने यहाँ पे प्रोफाइल लाइट्स हमने यहाँ पे दी हुई है, और उसी के नीचे में भी हम देखोगे तो हमने यहाँ पे कंटिन्यूटी में हमने यहाँ पे स्टोरेज का प्रोविजन किया हुआ है। ऊपर में जैसे आप देखते हो तो यहाँ पे जो सीलिंग जो है,
वो फॉल सीलिंग जो हमने यहाँ पे की हुई है, तो फॉल सीलिंग आप देखोगे तो हमने कव शेप में यहाँ पे हमने यहाँ पे फॉल सीलिंग किया हुआ है, जो नॉर्मल प्लेन सीलिंग ही चाहिए थी, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी। और हमने भी उनको सजेस्ट किया था कि प्लेन सीलिंग में करते हो तो थोड़ा बहुत उसमें कॉर्नर्स में हम लोग कव शेप देंगे तो काफ़ी अच्छा दिखेगा वो। अगर आप मेरे बैक साइड में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे जो सोफ़ा है, सोफ़ा भी आया नहीं है, तो सोफ़े की यहाँ पे जो प्रोविज़न यहाँ पे होने वाली है, उसी के बैक साइड की वॉल को हमने यहाँ पे मोल्डिंग से हमने उसको इनको हाईलाइट किया हुआ है। एग्जैक्टली उसके पास में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे जैसे कि लिविंग रूम में है, तो लिविंग रूम में एक यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग वॉल थी, तो वॉल के आगे हमने यहाँ पे एक बेसिन काउंटर हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है स्टोन में। और उसी की बैक साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने मिरर हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, और उसके लेफ्ट और राइट साइड पे दोनों साइड पे हमने यहाँ पे ग्लास का प्रोफाइल डोर दिया हुआ है, जिसमें क्रॉकरीज आप रख सकते हो। और अंदर में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने स्पॉटलाइट भी दी हुई है। एग्जैक्टली उसके बॉटम में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे हमने एक ओपनेबल डोर्स हमने यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें कुछ स्टोरेज वगैरह रखना हो तो वो भी आप रख सकते हैं। ऊपर में जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे जो मिरर है, मिरर के ऊपर भी हमने यहाँ पे एक हाईलाइट करने के लिए हमने यहाँ पे स्पॉटलाइट दी हुई है, और उसमें एक ओपन कैबिनेट हमने यहाँ पे दिया हुआ है। एक डाइनिंग एरिया भी चाहिए था, डाइनिंग एरिया किस तरह से हो सके जो ज़्यादा बड़ा भी ना हो, कॉम्पैक्ट हो, और जब भी उसको यूज़ करना हो तभी हम उसको यूज़ करें, और जब भी यूज़ नहीं करना हो तो उसे हमें बंद कर सके। तो वो हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ पे हमने वॉल माउंटिंग डाइनिंग टेबल हमने यहाँ पे दिया हुआ है। वॉल माउंटिंग डाइनिंग टेबल का जैसे आप देखोगे तो यहाँ से नीचे से उनका एक्सेस रहता है, बैक साइड में आप देखोगे तो हमने यहाँ पे स्टोरेज को ध्यान में रख के हमने यहाँ पे ग्लास के सेल्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके ऊपर में हमने यहाँ पे ओपनेबल डोर्स हमने यहाँ पे दिए हुए इंटरनल ग्लास के सेल्स है। और डाइनिंग एरिया के लेफ्ट और राइट साइड पे आप देखोगे तो यहाँ पे कव शेप में हमने यहाँ पे इस तरीके से हमने यूनिट्स दिए हुए, जिसमें कुछ आर्टिफैक्ट्स वगैरह रखना हो आपको, शोपीस वगैरह रखना हो तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। और उसी में हमने यहाँ पे लाइट्स भी हमने यहाँ पे दी हुई है। इसे बंद करना भी काफी इजी है, आप देखोगे तो यहाँ पे जो स्पेस जो होती है, स्पेस काफी ओपन हो गई है। अभी डाइनिंग एरिया के पास की जो वॉल है, ये वॉल भी काफी प्लेन लग रही थी, तो वो क्या कर सकते हैं, तो वो हिसाब से आप देखोगे तो हमने सोफे के बैक साइड में जो हमने जो मोल्डिंग का जो काम किया था, उसी तरीके से ये वॉल को भी हमने इस तरीके से यहाँ पे मोल्डिंग की हमने यहाँ पे डिजाइन की हुई है, जिससे काफी सिमिलर भी लग रहा है और काफी अच्छा भी लग रहा है ये। आइए देखते कि मॉड्यूलर किचन, मॉड्यूलर किचन में हमने क्या क्या चीज प्रोवाइड की है, और वो बनने के बाद में किस तरह से दिख रहा है वो आपको दिखाते हैं। किचन में जैसे आप सबसे पहले देखोगे तो हमने यहाँ पे स्लाइडिंग में प्रोफाइल के अंदर यहाँ पे फ्लूटेड ग्लास में हमने डोर्स हमने यहाँ पे बनाया है। किचन का जो पूरा साइज है वो 8 फीट 7 इंचज़ बाई 6 फीट 4 इंचज़ का पूरा ये किचन है। किचन जो आप देखोगे तो यहाँ पे हमने सिविल का जो पूरा काम किया हुआ है, तो एग्जिस्टिंग जो बिल्डर का जो दिया हुआ जो प्लेटफॉर्म था, प्लेटफॉर्म हमने टोटली ब्रेक किया हुआ है। जो टाइल्स जो थी वो टाइल्स हमने यहाँ पे रिमूव की हुई, और आप देखोगे तो जो हमने यहाँ पे काउंटर हमने जो यहाँ पे यूज़ किया हुआ वही काउंटर हमने यहाँ पे 150 mm में हमने वही यहाँ पे फिक्स किया हुआ है। किचन की आउटर फिनिश अगर आप देखते हो जो यहाँ पे जो डोर्स जो हमने दिए हुए हैं, वो हमने यहाँ पे एक्रेलिक फिनिश हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। उसी के साथ में आप देखोगे तो यहाँ पे ब्लैक हमने यहाँ पे हैंडल्स इसमें दिए हुए। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमने 3 ड्रॉवर्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। ये तीनों ड्रॉवर्स प्लेन ड्रॉवर्स है जो मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हो। इसमें आप देखोगे तो हमने जो चैनल्स यूज़ किए हुए, हेटिक कंपनी की चैनल्स इसमें यूज़ की हुई है। ड्रॉवर्स के अगर बॉटम में आप देखोगे तो यहाँ पे जो प्लाई भी हमने जो यूज़ किया हुआ है, वो भी हमने यहाँ पे मरीन प्लाई यूज़ किया हुआ है। हेटिक के ड्रॉवर्स में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे हमने जो उसका जो स्मूथनेस है, जो आप कितना भी जोर से अगर आप बंद करोगे तो काफ़ी स्मूथली वो बंद होगा। उसी तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे हमने बड़े यूटेंसिल्स के लिए यहाँ पे हमने 2 प्लेन ड्रॉवर्स हमने इसमें दिए हुए हैं। यहाँ पे हमने टेंडम में हमने यहाँ पे एक स्पाइस पुल आउट हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। उसी के साथ में आप देखते हो तो यहाँ पे हमने कटलरी के लिए हमने यहाँ पे जो स्पेस दी हुई है, तो ये कटलरी आप देखोगे तो यहाँ पे रिमूवेबल है, इसे आप निकाल सकते हो, वॉश भी कर सकते हो।
सिंक में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे जो हमने ओपनेबल डोर्स दिए हुए हैं, और नीचे में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने अंडर माउंटेड, हमने यहाँ पे जो वाटर प्योरीफायर का हमने यहाँ पे प्रोविजन किया हुआ है। ऊपर में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने साइड ओपनिंग डोर्स दिया हुआ है, जो हमने यहाँ पे वाटर प्योरीफायर के लिए हमने यहाँ पे स्पेस दी हुई है। उसी तरीके से उसके पास में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे जो चिमनी के राइट साइड में भी हमने यहाँ पे कैबिनेट्स दी हुई है। नीचे आप देखोगे तो हमने यहाँ पे हैंडल्स नहीं दिए, तो आप बॉटम से काफ़ी इजीली उसको एक्सेस कर सकते हो। और उसी तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे जो चिमनी के ऊपर का जो डक्टिंग का जो पाइप है, वो हमने यहाँ पे कैबिनेट के अंदर से हमने उनका जो आउटलेट है हमने यहाँ पे बाहर निकाला है, जो ऊपर का जो पोर्शन को हमने डमी किया हुआ है। उसी तरीके से चिमनी की लेफ्ट साइड में भी आप देखोगे तो यहाँ पे हमने ओपनेबल दो डोर्स दिए हुए हैं। कैबिनेट्स की हाइट काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको ध्यान में रख के हमने यहाँ पे दो सेल्स दिए हुए, तो यहाँ पे तीन सेक्शंस में हमने उसको यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। ऑपोजिट साइड में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे जो सर्विस काउंटर है, तो सर्विस काउंटर के नीचे हमने यहाँ पे टोटल 5 ड्रॉर्स हमने इसमें दिए हुए हैं, जो यहाँ पे 2 बड़े यूटेंसिल्स के लिए हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। और आप देखोगे तो यहाँ पे जो 3 ड्रॉर्स है हमने यहाँ पे, वो हमने यहाँ पे प्लेन ड्रॉर्स हमने दिए हुए हैं। उसके पास में आप देखोगे तो एक टॉल यूनिट का सेक्शन हमने दिया हुआ है, जो अप्लायंसेस के लिए है। यहाँ पे आप जो ओपन स्पेस जो देख रहे हो, यहाँ पे हमने माइक्रो के लिए यहाँ पे प्रोविजन किया हुआ है। एग्जैक्टली उसके नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे हमने एक ट्रे हमने यहाँ पे दिया हुआ है, जो माइक्रो रिलेटेड जो भी चीज़ रहती है, वो गर्म बाउल्स वगैरह जो रहते हैं आप उसमें से निकालते हो, तो वो रखने के लिए आपको स्पेस चाहिए, तो वो रखने के लिए उस सबसे हमने यहाँ पे ट्रे हमने यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है। उसके नीचे भी आप देखोगे तो यहाँ पे हमने ड्रॉर्स दिए हुए हैं, जिसमें बाकी जो गैजेट्स रहते हैं वो आपको रखने के लिए भी स्पेस चाहिए रहती है, तो वो हिसाब से हमने यहाँ पे ड्रॉर प्रोवाइड किया हुआ है। वो लास्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने ऑनियन एंड पटेटोज के लिए यहाँ पे विकर बास्केट हमने यहाँ पे दिया हुआ है। ऊपर में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने ओपनेबल 2 डोर्स दिए हुए हैं, और इंटरनल हमने यहाँ पे 2 सेल्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। सर्विस काउंटर के ऊपर में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने प्रोफाइल डोर्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं ग्लास के, जिसमें हमने यहाँ पे फ्लूटेड ग्लास हमने दिए हुए हैं, और ब्लैक प्रोफाइल हमने इसमें यूज़ किया हुआ है। फ्रिज की ऊपर की जो स्पेस है, वो स्पेस वेस्ट ना जाए, उसको हमने इस तरह से एक कैबिनेट दे के हमने उसको इस तरह से यूटिलाइज किया हुआ है, जिसमें कोई चीज़ रहती है जो आप कम यूज़ करते हो वो रखने का अगर आपको प्रोविज़न चाहिए तो आप उसके अंदर वो प्रोविज़न कर सकते हो। आइए देखते हैं कि बेडरूम वन में हमने क्या क्या चीज़ प्रोवाइड की है और वो किस तरह से वो दिख रहा है। बेडरूम वन में अगर आप देखोगे तो जैसे कि आप एंटर करते हो तो यहाँ पे हमने लैमिनेट हमने यहाँ पे चेंज किया हुआ है। एग्जिस्टिंग जो लैमिनेट था बिल्डर का, वो हमने चेंज किया हुआ है अकॉर्डिंग टू जो वार्डरोब की जो पूरी जो थीम है, वार्डरोब में जो कलर लिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग टू हमने यहाँ पे कलर हमने इसमें यूज़ किया हुआ है। आउटर अगर आप देखते हो तो आउटर भी हमने यहाँ पे जो है वुडन, और आप देखोगे तो यहाँ पे हमने स्टोन वाला जो लैमिनेट है लाइट कलर में, वो दोनों का हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन किया हुआ है, और बीच में हमने यहाँ पे गोल्डन पट्टीज हमने यहाँ पे दी हुई है। जैसे कि आप सबसे पहले एंटर करते हो तो यहाँ पे हमने एक स्मॉल पुल आउट यूनिट दिया हुआ है यहाँ पे, जिसमें कुछ कपड़े वगैरह है वो हैंग करने के लिए जो रहते हैं, जो कम यूज़ किए हुए वो रहते हैं। अगर आपको कुछ बॉटल्स वगैरह हैंग करना हो, टाई वगैरह हैंग करना हो, तो वो भी आप उसमें हैंग कर सकते हो, तो वो सबसे पर्पस को ध्यान में रख के हमने यहाँ पे वो बनाया है। उसी के पास में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने ओपनेबल डोर्स हमने यहाँ पे दिए हुए वार्डरोब के, वार्डरोब में नीचे में हमने यहाँ पे सेल्स दिए हुए हैं, और एक बॉटम में अगर आप देखते हो तो हमने यहाँ पे ड्रॉवर्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। ऊपर में हैंगिंग के लिए हमने अभी इस तरह से प्रोविजन किया हुआ है, और उसके एग्जैक्टली ऊपर जो स्पेस है वो स्पेस को हमने यहाँ पे एक सेल्फ देके हमने उसको यूटिलाइज किया हुआ है, जिसमें कुछ चीज़ इस तरह से रहती है कि आप रेगुलर यूज़ नहीं करते हो, जैसे कि फाइल्स वगैरह रहती है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहते हैं, तो वो रखने के लिए स्पेस चाहिए, तो आप वो ऊपर में रख सकते हो। उसी के पास में भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी जो वार्डरोब है, तो वार्डरोब का आउटर फिनिश जो है यहाँ पे हमने हाई ग्लोज लेमिनेट हमने इसमें यूज़ किया हुआ है, और बीच में कुछ कुछ डिस्टेंस पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमने गोल्डन स्ट्रिप हमने यहाँ पे स्टिक की हुई है। इसमें भी अगर आप इंटरनल देखोगे तो सेम हमने रेप्लिका हमने यहाँ पे किया हुआ है, ऊपर में हैंगिंग किया हुआ है, उसके ऊपर में सेल्फ है, नीचे में 2 सेल्फ है, और सेंटर में 2 ड्रॉवर्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं।
और एग्जैक्टली ऊपर की जो स्पेस है उस स्पेस में हमने यहाँ पे लॉफ्ट क्रिएट किया हुआ है, जो टॉप ओपनिंग डोर्स है जो ऊपर की तरफ खुल रहे हैं। उसी के पास में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे हमने जो बेड है, हाइड्रोलिक बेड्स हमने यहाँ पे बनाया है। हाइड्रोलिक बेड में अगर आप देखोगे तो उसके तीनों साइड पे हमने यहाँ पे कुशनिंग का काम किया हुआ है। जो फैब्रिक हमने यहाँ पे जो हेडबोर्ड पे हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, वही फैब्रिक हमने यहाँ पे साइड पैनल में हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। और प्लस आप बैक साइड में भी आप देखोगे तो यहाँ पे हमने टोटली पूरा पैनलिंग का हमने काम किया हुआ है, जिसमें लेमिनेट के साथ में यहाँ पे गोल्डन पट्टी का हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन किया हुआ है। इसके बाजू में देखते हो तो यहाँ पे नीचे में हमने यहाँ पे साइड टेबल हमने यहाँ पे दिया हुआ है। उसी तरीके से यहाँ पे भी आप देखोगे तो सेम हमने यहाँ पे भी साइड टेबल्स हमने यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे भी आप देखोगे तो हमने सेम यहाँ पे पैनलिंग का काम किया हुआ है। ऊपर में आप देखोगे तो यहाँ पे जो एसी पैनलिंग है, तो एसी पैनलिंग का हमने यहाँ पे काम किया हुआ है। बेड के एग्जैक्टली ऑपोजिट में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने टीवी यूनिट का हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे रखा है। टीवी यूनिट में इस तरह से आप देखोगे तो यहाँ पे हमने जो बैक साइड का पूरा पैनलिंग है वो सेम पैनलिंग हमने यहाँ पे जो लैमिनेट हमने यूज़ किया हुआ है वार्डरोब में और बेड में, तो वही हमने यहाँ पे वो स्टिक किया हुआ है। उसी के पास में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने एक टॉल यूनिट हमने यहाँ पे दिया हुआ है, जो एक स्टोरेज का भी काम कर रहा है। और एक रिक्वायरमेंट्स भी थी कि कुछ स्टोरेज भी चाहिए था वैसा, कि कुछ चीज़ हमें रखनी हो तो काफ़ी हमें बाहर तलक नहीं जाना हो और बेडरूम में हम वो रख सकते हैं, तो वो ध्यान में रख के हमने इस तरह से एक टॉल यूनिट हमने यहाँ पे दिया हुआ है। और एग्जैक्टली टॉल यूनिट के पास में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने मिरर है वॉल के ऊपर, हमने यहाँ पे मिरर को हमने यहाँ पे स्टिक किया हुआ है। उसकी आप बॉर्डर भी देखोगे तो चारों बाजू से बॉर्डर पे हमने यहाँ पे गोल्डन स्ट्रिप हमने यहाँ पे दी हुई है। ऊपर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो सीलिंग है, तो जिस जो बेड का जो इतना एरिया है वो एरिया के हिसाब से हमने यहाँ पे सीलिंग को हमने थोड़ा डाउन किया हुआ है। सीलिंग के दोनों साइड की कॉर्नर से वो हमने वो कर्व शेप में हमने यहाँ पे दी हुई है। ऊपर में जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ पे हमने पीवीसी सीलिंग का काम किया हुआ है। पीवीसी सीलिंग करने का रीज़न ये रहता है कि जो स्टीम रहती है वो स्टीम अगर डायरेक्टली अगर पीवीसी सीलिंग नहीं रहती है तो डायरेक्टली वो जो पेंट है वो पेंट को इफेक्ट होता है, वो पील ऑफ होता है पेंट्स, और सीलिंग भी ब्लैक हो जाती है। तो वो नहीं हो और उसको हमें रोकना हो तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे पीवीसी सीलिंग करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है। आइए देखते हैं कि बेडरूम टू में हमने क्या क्या चीज़ प्रोवाइड की है और वो किस तरह से दिख रहा है। बेडरूम टू में जैसे आप एंटर करते हो तो एग्जैक्टली बेडरूम टू का जो आप अगर थीम देखोगे तो व्हाइट एंड ब्लू का पूरा थीम है। तो आप वो हिसाब से हमने यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग जो डोर है उसका लेमिनेट हमने यहाँ पे निकाल के हमने यहाँ पे ब्लू कलर का हमने लेमिनेट यहाँ पे हमने पेस्ट किया हुआ है। वार्डरोब भी आप देखते हो तो वार्डरोब में भी हमने जो स्लाइडिंग वार्डरोब है तो बेस पार्ट में हमने यहाँ पे ड्रॉर्स हमने दिया हुआ है। ऊपर में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे जो व्हाइट एंड ब्लू का जो कॉम्बिनेशन है तो उसमें हमने हाई ग्लोस लेमिनेट हमने इसमें यूज़ किया हुआ है। इसमें आप देखोगे तो कंसील हैंडल्स हमने यहाँ पे गोल्डन में आपने दिए हुए। स्लाइडिंग डोर में आप देखोगे तो डोर ओपन करते ही यहाँ पे सेंसर लाइट यहाँ पे दी हुई है। नीचे में आप यहाँ पे देखोगे तो हमने यहाँ पे वुडन सेल्फ हमने यहाँ पे दिया हुआ है। सेंटर में दो ड्रॉर्स हमने यहाँ पे दिया हुआ है और एक हाफ पोर्शन हमने यहाँ पे हैंगिंग के लिए दिया हुआ है। उसी के पास में आप देखोगे तो यहाँ पे जो हमने दो सेल्स दिए हुए हैं तो इसमें जो फोल्ड किए हुए जो कपड़े वगैरह रहते हैं तो आपको वो रखना है तो आपको यहाँ पे उसके अंदर रख सकते हैं। और ऊपर में हमने यहाँ पे एक सेल्फ हमने यहाँ पे दिया हुआ है। एग्जैक्टली उसके पास में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने एक स्लिम हमने यहाँ पे साइड ओपनिंग यूनिट हमने यहाँ पे दिया हुआ है। ये यूनिट अगर आप देखते हो उसका पर्पज़ ये है कि इसमें आप जैसे कि हमने हैंगिंग के पर्पज़ को ध्यान में रख के यहाँ पे हमने हुक्स भी हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है, जिसमें कुछ कपड़े वगैरह रहते हैं जो कम टाइम पहने हुए रहते हैं तो उसको रखने के लिए जो स्पेस चाहिए तो वो इसके अंदर कर सकते हैं। अगर हम सेकेंड साइड में अगर हम देखते हैं तो सेम हमने रेप्लिका हमने यहाँ पे भी इस तरह से किया हुआ है। हैंगिंग है, पार्टीशन है और नीचे में ड्रॉवर्स है और नीचे में बॉटम में सेल्फ। उसी के बाद में अगर देखते हो तो यहाँ पे जो हाइड्रोलिक में जो बेड हमने जो बनाया है, तो बेड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फुल स्टोरेज को ध्यान में रख के हमने इस तरह से बेड का हमने दिया हुआ है। बेड का जो बैक साइड का जो पोर्शन है यहाँ पे हमने जो ब्लू में हमने यहाँ पे कुशनिंग हमने यहाँ पे किया हुआ है। उसी के सेंटर में आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे हमने यहाँ पे गोल्डन स्ट्रिप भी हमने यहाँ पे दी हुई है।
बेड के साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे साइड टेबल हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। बेड के एग्जैक्टली ऑपोजिट में आप देखोगे तो यहाँ पे जो वॉल को हाईलाइट करने के लिए हमने यहाँ पे मोल्डिंग का काम किया हुआ है। बेडरूम के अंदर एक ड्रेसिंग यूनिट की जो रिक्वायरमेंट्स रहती है तो वो हिसाब से हमने यहाँ पे एक ड्रेसिंग यूनिट हमने यहाँ पे दी हुआ है, जो प्रोफाइल डोर्स के साथ में मिरर हमने यहाँ पे दिया हुआ है। इंटरनल आप देखोगे तो यहाँ पे वुडन के सेल्स हमने दिए हुए हैं। नीचे में हमने यहाँ पे दो ड्रॉवर्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं, और ऊपर में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे जो एसी पैनलिंग का जो काम किया हुआ है हमने, एसी जो भी जो है वो फिट करना बाकी है, तो लेकिन जो पैनलिंग जो है वो पैनलिंग हमने यहाँ पे कर दी हुई है। ऊपर में जब भी आप सीलिंग देखते हो तो सीलिंग जैसे कि जो बेड का जो जितना मेजरमेंट है वो मेजरमेंट के हिसाब से हमने यहाँ पे सीलिंग में टोटली प्रोफाइल का काम हमने यहाँ पे किया हुआ है। जो प्रोफाइल जो हमने यहाँ पे वॉर्म वाइट लाइट उसमें हमने प्रोवाइड किया है, और उसी के बाद में अगर आप देखते हो तो कुछ हमने दो सीलिंग के बीच में हमने ब्लू कलर की स्ट्रिप भी हमने यहाँ पे दी हुई जो पेंट किया हुआ है। जो आप देखोगे तो बेड का जो पोजीशन है और वार्डरोब का जो पोजीशन है वो दोनों को वो डिवाइड कर रहा है। बाथरूम में जैसे आप देखते हो तो बाथरूम में भी यहाँ पे हमने टोटली पूरा ये ब्रेक करके नया बनाया है, जिसमें नीचे फ्लोरिंग हमने चेंज की हुई है, जो वॉल टाइल्स है और वॉल टाइल्स भी हमने यहाँ पे चेंज की हुई है। वेनिटी अगर आप देखते हो तो यहाँ पे वेनिटी में नीचे डोर साइड ओपन डोर ओपन करके यहाँ पे नीचे में एसएस की जाली हमने यहाँ पे दी हुई है। जो मिरर है जो है वो प्रोफाइल डोर के साथ हमने दिए हुए, और उसके आप देखोगे तो यहाँ पे हमने टच स्क्रीन भी हमने यहाँ पे दी हुई है, जो चेंजेबल लाइट्स उसके अंदर है। ऊपर में जो सीलिंग है वो पीवीसी में सीलिंग का भी काम हमने यहाँ पे किया हुआ है। जैसे कि आपने हमारा 2 BHK का पूरा इंटीरियर का वीडियो देखा, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव्स में इसे फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।